हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राजेंद्र। गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो हमारी फोटो में पूरा सनसेट का व्यू आ रहा है, जो गाइस देखने में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो कि आप भी कुछ इस टाइप की अपनी फोटो बना, तो गाइस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। और गाइस क्रिसमस से रिलेटेड कल ही एक और बैकग्राउंड पैक हमने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो गाइस अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लो वीडियो देखने के बाद। सो गाइस अगर ऐसे ही आप क्रिएटिव कॉन्सेप्ट चाहते हो तो गाइस उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, और यार वीडियो लाइक करना और कमेंट करना तो यार बिल्कुल नहीं भूलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट फॉर इट। सो गाइस यहाँ पे आ गए अपने पिक्सार्ट में। तो गाइस हमने पिक्सार्ट में इस बैकग्राउंड को ऐड कर दिया, उसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिसाइज पे जाएंगे तो गाइस यहाँ पे ये पहले से ही मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपको इसको रिसाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने सिंपल से क्या करना है, आपने सिंपल से ऐड फोटो ऊपर चले जाना है। अब गाइस इस बैकग्राउंड को हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे कि गाइस हम जिस तरह से एडिट करेंगे हमें उस टाइप से बनाना है। तो यहाँ पे हम इस PNG को ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको फुल बैकग्राउंड पे करना है। देन सिंपल से आपने इसको डन कर देना है, और यहाँ से इसको डन करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, अब आपने चले जाना है फिर ऐड फोटो पे, ठीक। और यहाँ पे गाइस इस बार क्या करना है, आपने दूसरी PNG को ऐड करना है, लेंस फ्लेयर, ठीक। तो यहाँ पे गाइज हमने लेंस फ्लेयर को ऐड कर लिया। देन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे में एक डॉट दिखेगा स्ट्रेच वाला, उससे गाइज आपने लेंस फ्लेयर को पतला कर देना है, और यहाँ पे राइट साइड की तरफ पहले लगाना है, ठीक। तो ये क्या होगा, जो मैं हमने बैकग्राउंड बाद में लगाया था वो मर्ज हो जाएगा पहले वाले बैकग्राउंड से इस लेंस फ्लेयर को लगाने के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके साइज को फुल करेंगे, देन डन कर देते हैं, फिर ऐड फोटो पे जाते हैं, और फिर गाइज लेंस फ्लेयर को हम ऐड करते हैं। और वहीं से गाइज यहाँ पे नीचे डॉट दिख रहा है जो, उससे गाइज आपने इसको स्ट्रेच कर देना है, यहाँ पे आप देख लो कुछ स्टेप से। और देन क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड आपने स्क्रीन कर देना है, ठीक। और यहाँ पे बीच में लगाना है जैसे गाइज हमने पहले वाले को लगाया, ठीक है। अब इसको भी लगाने से क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड प्रॉपरली मर्ज हो जाएगा दोनों एक में, फुल सनसेट वाला व्यू आ जाएगा आपके बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपने दोनों को कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर आप देख लो, ठीक है, आफ्टर में कितनी ज़्यादा इस समय हमारे बैकग्राउंड लग रही है। उसके बाद से गाइस अब आपने क्या करना है, सिंपल से ड्रॉ टूल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम चलते हैं अपने ड्रॉ टूल में, और कुछ PNGs गाइस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमने अपने ड्रॉ टूल को ओपन कर लिया, देन सिंपल से क्या करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, और यहाँ से गाइस आपने अपने कटआउट को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप गाइस आपने जो भी कटआउट बनाया हो उसको गाइस आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको ऐड करते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको फ्लिप कर देना है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसको सीधे उल्टा घुमा देंगे, और यहाँ पे अभी के लिए इसको रखते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है गाइस ये हवा में बैठा हुआ है, बट बाद में हम इसको आगे ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एम्प्टी लेयर बनाते हैं, उसमें ऐड ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, और यहाँ पे एक फोटो पर जाएंगे, और यहाँ पे गाइस हम अपनी PNG को लेंगे। तो यहाँ पे इस PNG में गाइस आपने टेडी को बस रखना है, बाकी जो लड़का है उसको क्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया, देन क्या करना है, यहाँ पे आपने इसके पास में सेट करना है, जैसे गाइस ये टेडी आपका फ्रेंड हो, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो गाइस टेडी है उसको हम अपने मॉडल के पास पे ही बैठा देते हैं, और इसको साथ हम सेट करने के लिए ट्राई करते हैं। और यहाँ पे देखना गाइस टेडी के ऊपर में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के कुछ डॉट्स दिखेंगे, ठीक है, और टेडी PNG के चारों तरफ आपको मिलेंगे। तो गाइस आपने क्या करना, इनको हल्का हल्का करके इरेज कर देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम से आप इरेज कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस हम जल्दी जल्दी से इरेज कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको इरेज कर लिया है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म पे लेके जाएंगे, और फिर इसको हम सेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम चलते हैं लेयर के ऊपर, यहाँ से सीधे फोटो लेयर से जाना है, और यहाँ पे गाइस आपको एक ग्रास की PNG मिल जाएगी, ठीक है। ये ग्रास क्या करेगी, आपको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करेगी, ठीक। तो यहाँ पे गाइस जो हमने PNG ऐड की थी उससे हमारे मॉडल और टेडी दोनों मर्ज हो गए हैं बैकग्राउंड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब पहले अपने मॉडल को हम एडजस्ट करेंगे, मतलब साइज में इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था, देन डन करेंगे। फिर अगर हम टेडी को भी सेम वैसे ही करेंगे, तो इसको भी गाइस हम साइज में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने दोनों को एकदम प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया है, देन क्या करेंगे, सिंपल से अब इसको डन कर देंगे यहाँ से ड्रॉ टूल से। यहाँ पे गाइस हमारे दोनों डन हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद से गाइस अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने चले जाना है ऐड फोटो पे, ठीक। और यहाँ से गाइस आपको फिर लेंस फ्लेयर की PNG लेनी है, और इस बार क्या करना है, इसके लाइट इफेक्ट को अपने बॉडी के ऊपर देना है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको स्ट्रेच करेंगे,
और अपनी बॉडी की तरफ लेकर आएंगे और इसका ब्लेंडिंग और गाइस हम स्क्रीन करेंगे और कुछ ही स्टेप से हम इसको रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वाला, ठीक है। तो क्या करना है, आपने इसका एक डुप्लीकेट बनाना है और इसको राइट साइड की तरफ भी लगा लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन में जाते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ राइट साइड की तरफ लगाते हैं, जो कि हमारे टेडी के ऊपर आए। तो इसमें हल्का सा लगाना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे इसको सेट करने के बाद से गाइज आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड में एक और लगाना है, क्योंकि उधर बहुत खाली खाली सा लग रहा है, मतलब लाइट इफेक्ट ज़्यादा लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक और डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ इसको हम सेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने इसको एकदम प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर अभी आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे लेंस फ्लेयर लगाने के बाद से हमारी जो फोटो है एकदम ऑसम और भी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने फिर एड फोटो पे जाना है, ठीक, और यहाँ पे कुछ बर्ड्स की पीएनजी मिल जाएगी, तो ठीक है। इसको हम कहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे आगे के साइड में यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। देन क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी हम डाउन कर देंगे और साइज में थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ओपेसिटी इसकी हम नहीं रखते हैं। देन सिंपल से इसको भी हम यहाँ से डन कर लेते हैं और उसके बाद से गाइस हम फिर एड फोटो पे जाते हैं और यहाँ पे इस बार आपको ये ट्री की पीएनजी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ट्री देखो, इसको क्या करना है, इसकी जो एक शाखा है उसको आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, कुछ इस टाइप से। तो इतना गाइस हम ट्री को रख लेते हैं अपने बैकग्राउंड में, इतना सही लगेगा, ठीक है। देन इतना के बाद से सिंपल से हम इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद से गाइस ड्रॉ टूल में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं फोटो को सेव और चलते हैं अपने लाइट रूम में। सो गाइस यहाँ पे हमने अपनी फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपने सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे कंट्रास्ट को आपने इंक्रीज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 20 इंक्रीज कर लेते हैं, शैडो को भी हम शैडो को इंक्रीज नहीं करेंगे, हाईलाइट्स को आपने जरूर इंक्रीज करना है और वाइटीज एंड ब्लैक्स दोनों को माइनस कर लेना है। फिर क्या करना है, आपने टेम्प के ऊपर जाना है, यहाँ पे इसको 10 रखना है। वाइब्रेंस को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इसको भी ज़्यादा नहीं। टिंट को हम 13 और फिर यहाँ पे ऑरेंज कलर पे आते हैं, इसकी सेचुरेशन को आपने डाउन करना है, लुमिनस को इंक्रीज करना है, ठीक है। और यहाँ पे येलो कलर पे जाते हैं और यहाँ पे गए थोड़ा सा हम इसकी लुमिनस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसमें ह्यू में आप कुछ भी चेंजेस मत करना। यहाँ पे ग्रीन कलर पे आते हैं, जो कि हमारे ट्री का कलर है, तो इसको क्या करना है, आपने ह्यू में फुल माइनस कर देना है। फिर इसकी लुमिनस को हम चेक करते हैं कि ये सही लग रहा है या नहीं। तो लुमिनस में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, देन सिंपल से इधर से हम डन कर लेंगे, ठीक। और जाते हैं हम नेक्स्ट वाले टूल पे, यहाँ पे हम टेक्सचर को इंक्रीज कर लेते हैं और क्लियरिटी इसमें कुछ ज़्यादा इंक्रीज करना है आपने, इसको हम गाइस रख लेते हैं 20%। और यहाँ पे डीएज को आप हल्का माइनस भी कर सकते हो या फिर हल्का प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको प्लस की तरफ रखते हैं, प्लस नहीं थोड़ा सा माइनस की तरफ रखते हो, ठीक है। फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट वाले टूल पे, यहाँ पे शार्पिंग और नॉइस रिडक्शन आपने कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो गई कंप्लीट। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।